I live inside my own world of make-believe. तो आप सब होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार बिटकॉइन के बारे में। सो गाइस बिटकॉइन जो है करेंसी है, जैसे कि हम बात करें हमारे पास इंडियन रुपीज है, यूएस डॉलर्स है, पॉन्ड्स है और यूरोज है। सो गाइस ये भी जैसे कि करेंसी, बिटकॉइन भी है करेंसी है, पर गाइस ये जो है डिजिटल करेंसी है। गाइस इस करेंसी की ये खासियत है कि ना तो हम इसे देख सकते हैं ना ही ये हमारे हाथ में होती है। गाइस ये जो है ऑनलाइन वॉलेट्स के अंदर स्टोर्ड होती है, इसके बारे में हम आगे भी वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस बिटकॉइन का नाम सुनते ही आपके मन में ये ध्यान आया होगा कि यार ये जो बिटकॉइन है ये इंडियन रुपी के बराबर कितना इसका रेट होता है, यूएस डॉलर के बराबर कितना इसका रेट होता है और इसे यार इन्वेंट किसने करा। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यार बिटकॉइन जो इन्वेंट करा था वो 2009 में जो है बिटकॉइन इन्वेंट हुआ था, और वो इन्वेंट हुआ था 2008 में यूएस मार्केट क्रैश के बारे में, जिसे इन्वेंट करा था सतोशी नाकामोटो ने। गाइस आप गूगल पर सर्च करोगे कि यार बिटकॉइन किसने इन्वेंट करा तो वहाँ आपको ये दिखाएगा सतोशी नाकामोटो ने। पर गाइस इस बात का भी प्रूफ किसी के पास नहीं है कि यार क्या सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया भी है या नहीं, क्या वो जिंदा है भी नहीं। मतलब यार बस ऐसा कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो ने ही बिटकॉइन को बनाया था, पर इसका जो है रियल प्रूफ किसी के पास भी नहीं है। सो गाइस यार जब बिटकॉइन इन्वेंट हुआ था 2009 में, एक बिटकॉइन की जो प्राइस हुआ करती थी तब 0.08 डॉलर, यानी कि हम इंडियन रुपीस में बात करें 3 से 4 रुपए। पर गाइस ये जो प्राइस थी 2009 की, पर हम बात करें 11 साल बाद, 12 साल बाद 2021 में, तो गाइस आपके जो बिटकॉइन की, 1 बिटकॉइन की प्राइस सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यार कुछ ऐसा ही हुआ है बिटकॉइन के साथ में। बिटकॉइन की जो प्राइस है आज की तारीख में, जो यार एक बिटकॉइन की प्राइस मैं आपको बताऊं तो लगभग जो होती है 25 से 30 लाख रुपए का एक बिटकॉइन हमें मिलता है। तो गाइस आप भी सोच रहे होंगे काश हमने उस टाइम में यार 3-4 रुपए में एक बिटकॉइन खरीदा होता तो काश आज भी हम जो है लाखों में खेलते, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है। तो गाइस यार अभी आप सोच रहे होंगे क्या हमें बिटकॉइन में आज की तारीख में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। गाइस जैसे हम नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यार नॉर्मली हमारे माइंड में आता है, सबसे पहले जो आता है सेविंग अकाउंट, उसके बाद होता है फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद आता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट, और अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है जैसे कि म्यूचुअल फंड, जो क्योंकि बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रहे हैं। तो गाइस हम इन्वेस्टमेंट तो इनमें कर देंगे, पर हमें ये देखना होगा हमें रिटर्न किस में ज़्यादा मिलेगी। गाइस आज की तारीख में हम 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं सेविंग अकाउंट में, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक साल के अंदर जो है यार 100 रुपये के 106 रुपये यानी कि रिटर्न आ जाएगी, मनी 6 रुपये हमने एक साल में कुछ प्रॉफिट करा। पर हम बात करें यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट की, फिक्स डिपॉजिट में कुछ भी लगभग 10-15 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, 100 के 115 रुपये मिल जाएंगे। गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक साल में आपको 130 रुपये मिल जाएंगे। उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यार हमें अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एक साल में तो हमें करीबन 170 रुपये मिल जाएंगे। पर गाइस यार हम बिटकॉइन में अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एक साल के लिए तो गाइस वही जो आपकी कीमत है डबल ट्रिपल हो जाती है, आपको जो है 300 से 400 रुपये तक की रिटर्न वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि गाइस यही जो है बिटकॉइन के रेट्स इस टाइप से फ्लक्चुएट्स होते हैं कि आप इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। पर गाइस होता क्या है, बिटकॉइन के जो रेट्स हैं वो कभी भी एकदम से बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसे बिटकॉइन को कहते हैं वॉलेटाइल, क्योंकि वॉलेटाइल का मतलब होता है कि कभी भी एकदम से रेट बढ़ जाते हैं, कभी भी एकदम से घट जाते हैं, क्योंकि गाइस इस बिटकॉइन को जो है कोई भी मतलब एक कंट्रोल नहीं करता है। जैसे कि हम बात करें इंडियन रुपीस को कंट्रोल करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता है, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं बनी हुई है जो बिटकॉइन को कंट्रोल करती है। बिटकॉइन को जो कंट्रोल करती है वो होती है एक नेटवर्क ऑफ यूज़र, जैसे कि मैंने बिटकॉइन खरीदा, मेरे पास जो है इतना बिटकॉइन सेव हो गया, ऐसे जो है यार गाइज बिटकॉइन कंट्रोल किया जाता है। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो गाइज यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।